यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्रॉब्लम इज गिवन टू थ्री स्टूडेंट ए बी सी विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ए का प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम है 1/2, ये रिवीजन क्विक में किया हुआ क्वेश्चन है, 3/4। सी का प्रोबेबिलिटी है 1/4 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इफ दे ऑल द सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व हमेशा 1 - none ऑफ देम का क्वेश्चन है, एक स्टेप में डायरेक्टली कर सकते हैं। 1 - ए ने नहीं किया, बी ने भी नहीं किया, सी ने भी नहीं किया। याद रखिएगा ये बार है, एक्चुअल में ऐसा है, 1 - ना ए ने किया, ना बी ने किया, ना सी ने किया, राइट। तो ये हो जाएगा 1 - 3/32 मीन्स 29/32 इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू गिवन है 0.5, पी बी है 0.6 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी है 0.4, देन व्हाट इज पी ए बार यूनियन बी। यानी आपसे पूछा है पी ए बार यूनियन बी क्या होगा। लॉजिकली समझिए तो एक तरह से ये ऐसा है कि पी ए, यस, तो ये क्या हो जाएगा 1 - पी ए यूनियन बी, राइट, ए यूनियन बी का बार। अब इसका मतलब 1 - PA + PB - A × B क्या आ जाएगा। 1 - PA कितना है 0.5, 0.6 माइनस ऑफ 0.4, यानी 1 - ये 0.11 हो गया और 11 में से गया तो 0.7, तो ये आ जाएगा 0.3। तो देखिए 0.3 दिया है कि नहीं, यस 0.3 इज अ राइट आंसर। 0.7 मत लगा दीजिएगा, बहुत ध्यान रखिए छोटी छोटी चीजों पर, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, अ पेयर ऑफ फेयर डाइज, ठीक है, व्हाट इज पेयर ऑफ फेयर डाइज है रोल, मतलब दो डाइज हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट द सेकेंड डाई लैंड ऑन अ हायर वैल्यू देन डज द फर्स्ट। यानी सेकेंड डाइज का जो रिजल्ट है वो फर्स्ट से ज्यादा हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2F1 है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज फर्स्ट पे 1 आया तो सेकंड पे 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। फर्स्ट पे 2 आया तो 3, 4, 5, 6 में से कोई एक नंबर, 3 आया, सिंपल क्वेश्चन है, हमने करे इस तरह के क्वेश्चन, 4, 5, 6 आएगा, 4 आया तो ऑब्वियसली 5, 6, 5 आया तो 6। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो चीज़ें समझ में आती हैं कि 1 आने के चांस 1/6 डायरेक्ट करना है, ये 5/6, तो अपॉन 36 तो आने ही हैं और ये 1, 1, 1 ही होगा। तो देख लीजिए आप, 5 यही टेक्निक होती है, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1 ऐड करिए, 15/36, 3 से कैंसिल कर दीजिए, देन 5/12 इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, इज गिवन दैट कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू ए, कॉस थीटा माइनस बीटा इक्वल टू बी। टू क्वेश्चन रिलेटेड है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा, राइट, और सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, वो है, इसके टेक्निक्स बताता हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, अलग अलग टेक्निक हो सकती है, साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2AB इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। आप लॉजिकली देखें तो अगर आपने कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल लिया तो इनडायरेक्टली साइन भी निकाल लिया। अब इनके आंसर्स ए बी स्टम में हैं, अब मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूँ। नंबर वन कि अगर मैं इससे ही करना चाहूँ तो भी करवा सकता हूँ, कैसे, देखिए कॉस थीटा माइनस अल्फा ए है तो साइन थीटा माइनस अल्फा होगा अंडर रूट 1 - a², राइट। कैसे, साइन थीटा इक्वल टू होता है रूट 1 - cos² थीटा, ये रखते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो साइन थीटा माइनस बीटा है रूट 1 - b². अब जैसे आपसे मान लीजिए, टेक्निक समझना आप, इसका इन्वर्स लेके भी कर सकता हूँ बिना इन्वर्स के, अल्फा माइनस बीटा बोला है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कॉस थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा। देखिए थीटा से थीटा कैंसिल, अल्फा माइनस बीटा ही बचा। अच्छा, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा लिखो, अल्फा माइनस बीटा एक ही बात है। इस पूरे को अगर थोड़ी देर के लिए, इस पूरे प्रोसेस को ए
और इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं बी मान लूँ, एक तरह से ये समझ लीजिए कि दिस इज ऑफ कॉस ए, ये हो गया साइन ए, ये हो गया कॉस बी और ये हो गया साइन बी. तो कॉस ए कॉस बी यानी ए इंटू बी माइनस रूट वन माइनस ए स्क्वायर रूट वन माइनस बी स्क्वायर, यही आंसर दिया है ऑप्शन राइट. यानी इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया सिंगल स्टेप. ये फॉर्मूला भी बचाना है लिखने से, कॉस ए मतलब आप छोटी छोटी चीजों को जब बचाएंगे ना, जब आपके स्कोर बढ़ेंगे, साइन थीटा माइनस बीटा, साइन थीटा माइनस अल्फा, सब बचाना है. अब अगले क्वेश्चन पे आए तो आपसे एक तरह से साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बोला है. अब देखिए आपने ये निकाल चुके हैं, अब आप ये निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो एक तरह से ये निकाल चुके हैं, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा के प्लेस पर आप ये लिख सकते हैं. इसको भी मैं चाहूं तो थोड़ा सा टेक्निकली चलूं तो ऐसा लिख सकता हूं, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस टू ए बी कॉस अल्फा माइनस बीटा राइट. ये मिल गया मुझे. अब अगर हम चाहें तो समझिएगा कि ये है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस टू ए बी कॉस अल्फा माइनस बीटा और ये है वन. आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा की डायरेक्टली वैल्यू है, आप चाहें तो ये डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं इसमें डालूं तो वन माइनस ए बी माइनस वन माइनस ए स्क्वायर रूट वन माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया प्लस टू ए बी इंटू ए बी माइनस रूट वन माइनस ए स्क्वायर रूट वन माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया. अब मैं चाहूं तो इसका स्क्वायर ओपन कर दूं तो देखिए क्या होगा, वन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन माइनस ए स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर. अच्छा बाहर माइनस है तो जो ए स्क्वायर का टर्म होगा वो भी निगेटिव होगा और जो बी स्क्वायर का टर्म होगा वो भी निगेटिव होगा, बट जो टू ए बी वाला टर्म होगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपको ऐसा मिलेगा टू ए बी. यहां से देखिए टू टाइम्स ऑफ ए बी रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर. अब यहां पर देखिए ध्यान से क्या मिलेगा, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी रूट वन माइनस ए स्क्वायर रूट वन माइनस बी स्क्वायर. देखिए ये कैंसिल आपस में, यस और नो. अब हमारे पास बचा क्या, ये प्लस टू ए बी स्क्वायर है, ये देखिए ये मिला वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां मिलेगा वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. अच्छा ये माइनस है, ये भी माइनस होगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा. फाइनली मुझे मिला वन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ राइट आंसर. अब इस क्वेश्चन को, ये तो प्रॉपर मेथड हुआ, आप कुछ एंगल लेके भी कर सकते थे. और क्योंकि देखिए क्या होता है, कई बार कई चीजें क्लिक करती एग्जाम में, कई बार नहीं करती, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस को किस अप्रोच से कर रहे हैं. पर आप चाहते तो इसमें कोई एक वैल्यू ले लेते कि थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू सपोज 60 डिग्री ले लिया, थीटा माइनस बीटा इक्वल टू सपोज आपने 90 डिग्री ले लिया, फिर इससे आपको थीटा भी सॉल्व करना पड़ेगा और अल्फा भी, और ए बी के टर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा. कि आपने बोला कि थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू सपोज आपने ले लिया 60 डिग्री और थीटा माइनस बीटा इक्वल टू सपोज आपने ले लिया, अगर मैं इसमें बी की वैल्यू जीरो ले लूं 90 डिग्री, तो एक तरह से ये आ जाएगा 60 की जगह इसको आप बल्कि चाहो तो 30 भी ले सकते हो. 30 लेने का 60 थी, ठीक है 60 लेने का फायदा होगा कि cos 60 होता है 1 बाय टू और 90 रखते तो बी हो जाता 0. और यहां से थीटा भी निकाल सकते थे अगर थीटा की जरूरत पड़ती तो, पर इतने में आपका काम हो सकता था. तो ये डिपेंड करता है आप क्वेश्चन, क्योंकि थीटा तो इसमें कैंसिल ही हो रहा है, थीटा इसमें लॉजिकली कैंसिल ही हो रहा है. आपको तो अल्फा माइनस बीटा से मतलब है, आप इसको सबट्रैक्ट कर दो. देखो आप इसको जब सबट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 30 या अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 30 डिग्री राइट. अब जैसे कॉस अल्फा माइनस बीटा का मतलब हो गया, अब समझना कॉस अल्फा माइनस बीटा यानी कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 बाय 2. अब ऑप्शन में ये वैल्यू रखो आपको मिल जाएगा. देखिए इसमें ए बी रखा तो 0. टेक्निक समझ लीजिए आप, ये पूरे क्वेश्चन की एक प्रॉपर टेक्निक ये हो सकती थी एंगल लेके करना. तो आपने क्या किया फिर से समझिए, थीटा माइनस अल्फा को लिया 60 डिग्री, थीटा माइनस बीटा को लिया 90 डिग्री, इसके करस्पॉन्डिंग ए आ गया 1 बाय टू, बी आ गया 0 और अल्फा माइनस बीटा आ गया 30 डिग्री. अब जैसे आपसे पहला क्वेश्चन है कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो
तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू, ऑप्शन में रखा b की जगह 0, यहां पर आपने b की जगह 0 रख दिया तो देखिए क्या मिला, यहां पर रखा तो अंडर रूट 1 माइनस ऑफ कितना बोलिए 1 माइनस ऑफ 1 बाय 4, देखिए ये आ गया रूट थ्री बाय टू, रूट ऑफ 3 बाय टू, क्लियर है बात। वैसे ही यहां पर जब जाएंगे आप, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये हमने फॉर्मूला यहां पर यूज किया, अच्छा रहा क्रॉस चेक कर लिया, माइनस था यहां तो ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, चलिए अच्छा रहा एंगल से चेक कर लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये था ए बी प्लस रूट वन माइनस ए स्क्वायर रूट वन माइनस बी स्क्वायर, आपने वैल्यू लेके किया यही आ गया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस टू ए बी कॉस अल्फा माइनस बीटा, अब देखिए बी जीरो है तो ये जीरो हो गया, अल्फा माइनस बीटा यानी 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। अब इसका आंसर ऑप्शन से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर देखें तो 1/4 प्लस 0, दिस इज द राइट आंसर, राइट, ये एक तरीका हो सकता है इस तरह से आप, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बी क्योंकि आपने जीरो लिखा है तो एक बी ऑप्शन भी क्रॉस चेक हो रहा है, उस केस में एंगल बदलना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर एक बार फिर बोल दूं मैं कि मैंने ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना था, इसका आंसर होगा ए बी प्लस रूट ए स्क्वायर सॉरी 1 माइनस ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, काफी सिंपल है, कंटिन्यूटी को जिस ढंग से पढ़ा था, साइन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर के, साइन जीरो कितना होता है जीरो, तो के का वैल्यू जीरो हो गया, बोला कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो देन वैल्यू ऑफ के, तो सिंपल साइन जीरो कितना होता है साइन जीरो जीरो, तो के का वैल्यू हो गया जीरो, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, ई पावर एक्स एल एन ए, हमने फॉर्मूला पढ़ा ई पावर एल एल एन ई पावर एन एल एन बी इक्वल टू बी पावर एन, मतलब एक तरह से ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है, तो ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए, लॉग ए को एल एन ए भी लिख सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेस वाली क्लास में किया हुआ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक सेकेंड में आंसर देने वाला, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, आपसे वैल्यू पूछिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की, सेम होती है रूट टू के साथ ही आती है, पर करना क्या होता है इसका स्क्वायरिंग करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, बस इसको वन नहीं लिखना, पढ़ाते समय बताया था, इसको आप ट्रांसफर करिए तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसके फैक्टर बनाए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इन टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिस इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू रखी रूट टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक रूट टू कैंसिल एक कॉस कैंसिल, दिस इज द राइट आंसर, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय टू टेन थीटा इक्वल टू वन बाय रूट थ्री, साइन निगेटिव और टेन पॉजिटिव केवल कहाँ होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन निगेटिव एंड देन विच वन क्वाड्रेंट इज थीटा लाई, तो आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट, टेन पॉजिटिव साइन निगेटिव, सोचिए इस तरह के भी क्वेश्चन है, अब स्कैनिंग में छूट गए थे पर ये भी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन अभी आप देखेंगे तो अगर अच्छे से पेपर सॉल्व करेंगे तो सबसे कम टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4 and 5 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। अब इवन डिजिट बोला है और याद रखिए इन सब पेपर के डिस्क्रिप्शन लिंक है, थ्री डिजिट नंबर बोला है, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट, तो यहां पर क्या क्या आ सकता है 2, 4 तो 2 पॉसिबिलिटी, एक कोई कम हो गया तो यहां 4 यहां 3 तो नेट आंसर इज 24, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।